बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने सीएम को लिखा पत्र, पंचायत प्रतिनिधियों के खत्म हो रहे कार्यकाल को बढ़ाने की मांग। सीएम को ओडिशा बंगाल में तबाही मचाने के बाद बिहार पहुंचा आज, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश, अलर्ट जारी। बिहार में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में हुआ जल जमाव, राजधानी पटना के डीएम ने की जल जमाव की समीक्षा। बिहार के कई जिलों में रफ्तार ने बढ़ पाया कहर, गुरुवार को सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोगों की मौत। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 4 मई के बाद से तेल की कीमतों में 14वीं बार इजाफा, आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यास तूफान की। बिहार में यास तूफान का जो असर है वो देखा जा रहा है और पिछले कई घंटों से अगर हम बात करें यास तूफान की तो यास तूफान अब बिहार में प्रवेश कर चुका है। हालांकि गुरुवार को चक्रवात यास ने झारखंड के रास्ते बिहार में दस्तक दिया। बिहार में चक्रवात के दस्तक के बाद पटना मौसम विभाग ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। आने वाले अगले 48 घंटे तक मध्यम या हल्की बारिश जारी रहेगी और इसके साथ ही अगले 70 घंटे तक बिहार में बादल नुमा हालात बने रहेंगे। हालांकि ओडिशा और तटीय इलाकों वाली स्थिति बिहार में नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमने भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है, वो मुख्यतः या तो हमारे पूर्वी भाग हैं राज्य के या फिर दक्षिणी भाग हैं, और यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 65 मिलीमीटर 24 घंटे में 65 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है इन जिलों में। बाकी के जिलों में 60 मिलीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश की हमारा पूर्वानुमान है। पटना में बारिश की बात की 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो संभावना हमने व्यक्त की थी वो किसी दूसरे कंटेक्स्ट में थी और वो दो या तीन दिनों की एक्यूमुलेटेड रेनफॉल की बात थी। यहाँ बहुत स्पष्ट किया जा रहा है कि जो हमारा पूर्वानुमान है उसमें बारिश धीरे होगी लेकिन वो लगातार लंबे समय तक जारी रहेगी। और इधर प्रदेश में आए यास तूफान से निपटने और उससे बचाव को लेकर सूबे के उप मुख्यमंत्री और आपदा विभाग की मंत्री रेणु देवी ने अपने विधानसभा क्षेत्र बेतिया में तैयारी पूरी करने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तूफान से निपटने के लिए सीएम द्वारा लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और आपदा विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही नेपाल की तराई क्षेत्र में तूफान को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सारी तैयारी है, बिहार सरकार ने कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशील हैं पूरे यास की तैयारी की बैठक की और आज पेपर में भी आपके माध्यम से देखे होंगे कि सभी तरह की तैयारियां जो होती है कि इस तूफान से लड़ने के लिए उसे कैसे निपटा जाए उसकी तैयारी। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जितने हॉस्पिटल हमारे हैं हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई एक पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, कोई जनता को तकलीफ ना हो, इसके लिए अलर्ट किया गया है। हमारे यहाँ 15 NDRF की टीम है, 15 हमारे SDRF की टीम है जिसमें 12 जिलों में डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, वहीं पे है 3 हमारे बिहटा में है, 15 में हमारे 3 बंगाल और उड़ीसा गए हैं, 12 यहाँ है। और सारी जैसे बिजली विभाग है वो भी कल साथ में जुड़े हुए थे, बिजली विभाग भी सारा अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग। और पटना को पेरिस बनाने वाले वादे याद हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको पेरिस की सैर कराएंगे, जहां आप जाना तो चाहेंगे लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप घबराएंगे नहीं। जरा ये रिपोर्ट।
अभी पानी गिरावे के जड़ी को क्या नाम है क्या नाम है शांति देवी। ये रोड का हालत कब से ऐसा? ये ढेर दिन से नाला हलवा, ये नाला कोई काम के ना हवा तो ये पानी हमने का दुघारी पे आवे जाए के अथी होई गई। बरसात होते तो घर में पानी आ जाए। क्या सोचा आपने साहब? ये तस्वीर राजधानी पटना की ही है। ये उसी राजधानी की तस्वीर है जहां सूबे के शहंशाह रहते हैं, जहां से विकास कार्यों का रोड मैप तैयार किया तो जाता है लेकिन सारी तैयारियां फाइलों में ही चलते चलते थक जाती हैं। तभी तो सड़कों पर नहीं उतर पाती और लोग हर बारिश में गंगा स्नान का मजा ले लेते हैं। ये थे ढेर मरते के सर, कम से कम ही बनवा दीजिए, कम से कम पूछे ना के मरते बेचारा आता बाकी कितना माना काम नहीं होता। तू नहीं कहा है कि नहीं कहता? वो कहता है कि जाके बनवा देंगे बाकी बनवे नहीं करता। काम तो एलएनटी वाला कर रहा हूँ, नाला वाला बीच में बनाया था और बाद फिर उसे छोड़ के 2 महीना फिर छोड़ दिया, फिर जाम लगा, पानी रुके लगा। नाला ही वाला है पहले का नाला, उसे पूरा जाम हो जहाँ तहाँ भरा गया। राजधानी में ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है बल्कि पटना को पेरिश बनाने की कवायद सालों से चल रही है, जिसका असर है कि सड़कों पर खोदे गए गड्ढे और उसमें कीचड़ से भरे सोने की चमक वाली उतलाती पानी बेमौसम होली का एहसास दिला जाती है। हालांकि पटना का ये हाल सिर्फ पेरिश बनाने के चलते ही नहीं हुआ है बल्कि गंगा को स्वच्छ बनाने वाले सपनों ने भी किया है। यहाँ नमामि गंगे योजना का प्रोजेक्ट सालों से चल रहा है जिसका नतीजा है कि सड़कें खोदी तो जा रही हैं, लेकिन बदहाली के हालत में छोड़ दिया जाता है और वहीं गड्ढे मौत को दावत देती है। खैर मॉनसून दस्तक देने के मुहाने पर आ खड़ी है लेकिन दिल्ली वाले साहब से लेकर बिहार वाले बाबू तक सब बेफिक्र मौसम का मजा ले रहे हैं। डीटीवी भारत के लिए पटना से सनी की रिपोर्ट। और बिहार में मानसून के आने से पहले ही आज तूफान के आने से हुई बारिश ने जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, जिसको लेकर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ राजधानी में जल जमाव का हाल जाना और इस दौरान उन्होंने समीक्षा के बाद कई अहम आदेश भी दिए। नवादा में भी आज तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है। बता दें कि जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और अगले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार माइकिंग के माध्यम से लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। डीएम यशपाल मीना ने कहा कि यास चक्रवात का प्रभाव नवादा में देखने को मिला, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। और जहानाबाद में आज तूफान का असर देखने को मिला, जहां जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और इसी कारण जहानाबाद के कई इलाकों में बिजली भी गुल है। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर बिहार में देखने को मिल रहा है, वहीं लगातार हो रही इस बारिश के कारण फसलों को भी काफी क्षति हुई है। और गुमला के घाघरा में चक्रवात यास का असर देखने को मिल रहा है, तो बिहार के साथ झारखंड में भी चक्रवात यास का असर दिख रहा है, जहां 2 दिन से लगातार तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घर में ही दुबके रहने को मजबूर हो गए हैं और मुख्य सड़कों पर जल जमाव के कारण कई दुकानों में भी पानी घुस चुका है। बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति भी ठप है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई क्षति होने की सूचना नहीं है। और अब बात करते हैं कोरोना के खबरों की। बता दें पटना हाईकोर्ट बिहार में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग लगातार कर रही है और इसी कड़ी में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ ने कोरोना से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि लॉकडाउन के नाम पर हो रही पुलिस की बर्बरता को रोका जाए। गांव के लोगों को उन्हीं की भाषा में कोरोना के रोकथाम के उपायों की सूचना दी जाए और उसके अलावा हाईकोर्ट ने बेहटा के
कोरोना अस्पताल की सुविधाओं और उनकी कमियों के बारे में भी जानकारी मांगी है। अब 2 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। और पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अब व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद और अनुमंडलीय न्यायालय दाऊदनगर में अति आवश्यक मामले की सुनवाई वर्चुअल रूप से होगी। उक्त आदेश के आलोक में जिला विधि संघ ने समर्थन करते हुए वर्चुअल रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है। महामारी को देखते हुए बार और बेंच के जो गार्जियन है जिला जज श्री शिवगोपाल मिश्र जी, उन्होंने आज देखा है कि हाई कोर्ट का जो गाइडलाइन आया उसके अनुसार कोर्ट को वर्चुअल मोड में चलाया गया। वो आज से ही आर्डर हुआ है, आज से अगले आदेश तक सभी कोर्ट वर्चुअल मोड में सुनेंगे। और बहुत अच्छा आदेश उन्होंने पारित किया कि किसी भी तरह का निगेटिव आर्डर पास नहीं किया जाएगा। मुवक्किलों को कचहरी आने की आवश्यकता नहीं है, पैरवी हो न हो उनका जमानत विखंडित नहीं किया जाएगा और जो अर्जेंट इश्यू हैं उनको ही टेकअप किया जाए, क्योंकि यह वैश्विक महामारी है, इसमें सबको बचना और बचाना है। और वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं नाम है सौरभ सफारी, मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएँ ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया, तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव हूँ। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने समाहरणालय परिसर से 28 टीकाकरण एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीकाकरण एक्सप्रेस जिले के विभिन्न प्रखंड और इलाकों में जाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का ऑन द स्पॉट टीकाकरण करेगी और इन सभी वाहनों में कोरोना का टीका और आवश्यक सामग्रियों का साथ टीकाकरण दल के साथ सदस्य भी मौजूद रहेंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रारंभिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य टीकाकरण केंद्रों पर जाने में परेशानी होती थी और इसे देखते हुए उनके गांव में ही टीम भेजकर टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया। 45 साल के ऊपर जो टीकाकरण देना है वो ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन यानी जो भी वॉकिंग करके कर सकते हैं, तो उसका ज़्यादा कवरेज के लिए बूथ मैप बना करके हम लोग 28 वाहनों का आज रवाना किए हैं। ये पंचायतों में और नगर निगम क्षेत्र में जाएगी, 45+ का टीका लगाएगी, साथ में टीका संबंधित जागरूकता भी ये गाड़ियाँ करेगी। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फायदा होगा। इसको प्राथमिकता के तौर पर हम लोग बाढ़ इलाकों में ही देखने का योजना बना रहे हैं। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल टीकाकरण वैन के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसको लेकर डीएम ने 24 मोबाइल टीकाकरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये टीका एक्सप्रेस गांव-गांव घूमकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाएगा। टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराएं।
नवादा में भी समाहरणालय परिसर से डीएम यशपाल मीना और सीएस अखिलेश कुमार मोहन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर टीकाकरण एक्सप्रेस को विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। टीकाकरण एक्सप्रेस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का ऑन द स्पॉट टीकाकरण किया जाएगा। इन सभी वाहनों में कोरोना का टीका और आवश्यक सामग्रियों के साथ टीकाकरण दल मौजूद रहेंगे। डीएम ने कहा कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीकाकरण एक्सप्रेस को रवाना किया गया। कोरोना महामारी से बचाव हेतु लगे लॉकडाउन के सफलता के लिए लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना पुलिस द्वारा थाना के पास चेकपोस्ट सहित विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चालकों के हेलमेट, मास्क, लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर निकलने के लिए वजहों की पूछताछ के साथ साथ जरूरी कागजात की भी जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। और उस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान सूर्यगढ़ा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के तहत लगभग 3 लाख रुपए की वसूली की गई है। एक और, बिहार सरकार पूरे राज्य में फैल रहे कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ा रही है। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। लॉकडाउन पार्ट 3 में शादी समारोह में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है और ना ही मंच पर डांस करने की है। लेकिन सीतामढ़ी से जो तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। प्रशासन की नाक के नीचे सरकार के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता रहा है और पंचायत सचिव की बेटी की शादी में बालाओं का डांस चलता रहा और बच्चे, किशोर, बाराती समेत सैकड़ों लोग मग्न रहे। इस दौरान ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो कोरोना का डर ही खत्म हो गया हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस वक्त प्रशासन कहां था। और एक तरफ कोरोना है तो दूसरी ओर राजनीति भी चरम पर है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने आरजेडी के पूर्व विधायक शक्ति यादव के आरोपों के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि शक्ति यादव ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि बिहार में पीएचसी की हालत सही नहीं है, जिस पर अभिषेक झा ने जवाब दिया है और कहा है कि ऐसे लोग अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। तो एक तरफ जहां कोरोना महामारी है और दूसरी ओर बिहार में राजनीति भी चरम पर है, लेकिन असलियत भी हम आपको दिखाएंगे। के इस मुश्किल दौर में भी इन लोगों को इतनी घटिया राजनीति सूझ रही है। इस विषम परिस्थिति में आम जनता को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन ये लोग अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आते हैं। अरे क्या समय थी आपके समय पीएचसी की, कितने लोग जाते थे पीएचसी में, प्रतिमा 30 से 40 व्यक्ति जाते थे और अब यह आंकड़ा बढ़कर हर पीएचसी के लिए औसतन 10,000 हो चुका है। नीतीश कुमार जी ने कितना कायाकल्प किया है। और आप लोग सीबीआई की बात करते हैं, पशुओं का चारा खा जाने वाले लोग जिनके परिवार के हर सदस्य सीबीआई के जांच के दायरे में है, उनके मुंह से सीबीआई की बातें शोभा नहीं देती है। सत्ता पक्ष अक्सर विपक्ष पे आरोप लगाती रही है कि विपक्ष राजनीति कर रही है। विपक्ष एक तरफ जहां अस्पताल की बदहाली की बातें करती है तो सत्ता पक्ष ये दावे करती है कि अस्पतालों में पूरी तैयारियां हैं। अब हम जो आपको तस्वीर दिखाएंगे वो मुंगेर की है, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके भीम बांध के लोगों को आजादी के बाद भी अब तक चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाया। यहां के वासियों को अब भी झोला छाप डॉक्टरों पर आश्रित रहना पड़ता है। जहां एक ओर सरकार राज्य में जनता की हर सुविधा के दावे करती है तो वहीं इस इलाके में सब धरा धरा है। वहीं कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को 60 से 70 किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है और इन सब के बावजूद इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार जो ये दावा कर रही है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था बहुत मजबूत है, आप इस क्षेत्र में आने के बाद देखेंगे कि यहाँ की क्या चिकित्सा व्यवस्था है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर चाहे सीएम साहब हो या डिप्टी सीएम साहब हो, भीम बंद आ चुके हैं, कई गेस्ट हाउस यहाँ बने हुए हैं, यहाँ लोग आके ठहरते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
उनका देखेंगे स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के नाम पे आपको व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ से जम्मू जिला जाना पड़ता है, जम्मू जिला पड़ता है, यहाँ से 12 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है। सबसे बड़ा तो समस्या कि रोड का भी हम लोग का है नहीं, तो हम लोग का ड्राइविंग पर्सन या किसी तरह बीमारी खांसी सर्दी बुखार हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, गाड़ी घोड़ा का भी प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे ले जाते हो? ले जाते हैं अपना गाड़ी करके। आगामी 30 मई को बीजेपी के आहूत राष्ट्रव्यापी सेवा दिवस को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। इस कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का सेवा दल मेवा दल में बदल गया है और वहीं आरएसएस का सेवा भारती पूरे भारत में कोरोना मरीजों के बीच जाकर करोड़ों लोगों की सेवा कर रहा है। उन्हें सेवा करें तब तो सेवा का भाव पता हो कि कैसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में अपने बूथ पर ही अपने गांव में ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश दिया है कि जाकर कोरोना काल में सेवा दें। बक्सर के डुमराव अनुमंडल के अटाव पंचायत के अकोनी गांव में कमीशन के खेल में नली और गली का निर्माण बंद है। अकोनी गांव में वार्ड नंबर 10 वार्ड सदस्य और सचिव द्वारा नली और गली निर्माण में कमीशन मांगे जाने पर कार्य को आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष है। आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 10 में गली निर्माण का कार्य चल रहा था कि जो अब बंद हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि अजीत राम और सचिव द्वारा कमीशन का खेल खेला जा रहा है और गली निर्माण को लेकर कमीशन की मांग की जा रही है। लखीसराय के बड़ैया बाजार में थाने से कुछ ही दूरी पर एक शिक्षक के घर चोरी की घटना सामने आई है। बताते चले कि चोर शिक्षक के घर से बैग में रखे 50,000 नगद और करीब 1,00,000 के सोने का आभूषण लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुरुवार का दिन रफ्तार के नाम रहा, जी हाँ, हादसों के नाम रहा गुरुवार का दिन। पहले शुरुआत करेंगे भोजपुर की, जहां भोजपुर जिले के चर पोखरी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 9 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को आनन फानन में आरा सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि पिकअप और ट्रक में जोरदार टक्कर के दौरान यह हादसा हुआ और टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। और बक्सर के गगरन गांव में भी ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि मृतका अपने देवर के साथ बाइक पर सवार होकर सोहनी पट्टी स्थित अपने मायके आ रही थी और इस बीच अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और घटना में बाइक सवार युवक भी जख्मी हो गया। आपको बता दें कि जिले के हाता ओपी क्षेत्र के दादा बाबा के डेरा निवासी दिव्यांग की बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग शादी में सम्मिलित होने जा रहा था और उसी वक्त ये हादसा हुआ। बक्सर में ये हादसा हुआ और उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई, इलाके पर में मातम छा गया। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व मुखिया ने उचित मुआवजे की मांग की है। और झारखंड सरकार जहां एक ओर मरीजों के लिए बेहतर सुविधाओं के दावे करती है, तो वहीं गुमला में मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आई है, जहां पर 2 डॉक्टरों के सहारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों ही डॉक्टर ड्यूटी के दौरान नदारद रहते हैं। बता दें कि ज्वारी प्रखंड अंतर्गत बड़वाडी गांव में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। जिला में सूचना है, जिला में भेज दिया गया है, इधर बीच में उसको कोरोना हो गया था, बीच में एक के लिए आया था, उसके बाद उसका फिर कोरोना हो गया था, कोरोना के बाद फिर चला गया। सुई मिला है ना? सुई मिला, एक सुई टक्कर का भी लग गया है।
टका लगा है ना? टका लगा है। अच्छा, डॉक्टर आए थे अभी? नहीं आए। नहीं आए। देवघर पुलिस साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। देवघर जिले के जसीडी, चित्रा और पथरडा ओपी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी साइबर अपराधी फर्जी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से ठगी का काम करते थे। गिरफ्तार 3 साइबर अपराधी पहले भी साइबर क्राइम के मामले में जेल जा चुके हैं। साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 13 मोबाइल, 22 सिम, 1 एटीएम, 48,500 रुपये और एक हीरो ग्लैमर बाइक बरामद हुआ है। यह छापामारी चित्रा, जसीडी और पथरडा थाना क्षेत्र में की गई है। कोरोना संकट में तमाम परेशानियां झेल रहे आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने 4 मई के बाद से 14वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है और तेल की कीमतों में 14 बार इजाफा हुआ है और इन 14 दिनों में पेट्रोल 3.33 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं, तो वहीं इस दौरान डीजल भी 3.88 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 27 मई को पेट्रोल के दाम में 23 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। साथियों, मैं अपना कुछ अनुभव शेयर कर